हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है खट्टे मीठे रिएक्शंस। मैं हूं आपका होस्ट सैयद शायान। मैं आज आप लोगों को लाया हूं दोस्तों एक और रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक ट्रेलर के ऊपर, और ये ट्रेलर है स्ट्रीट डांसर का है। डांसर्स बोल गए यार, वो एक्स्ट्रा फ्लो में चला जाता ना बंदा। और ये है 3D में, 3D डांसर्स की मूवी, और वो भी 3D में। मज़ा आएगा देखने में। अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो ये आई गेस ये तीसरा पार्टी लगता है ABCD1 और ABCD2 का, क्योंकि वही ऑलमोस्ट कास्ट है कि श्रद्धा कपूर है और वरुण धवन है, रेमो रिसूजा और क्या कहते हैं उसको प्रभुदेवा जी, और नोरा फाते हैं इसमें, वो एक एक्स्ट्रा आई हैं। तो बाकी देख लेते हैं ट्रेलर कैसा होना है, बाकी बातें हम एंड के लिए रख लेते हैं ट्रेलर देखने के बाद कैसा होने वाला है, तो गपशप बाद में लगाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। तो हम सीधा चलते हैं दोस्तों ट्रेलर के ऊपर। इंडिया और पाकिस्तान, चाहे क्रिकेट में मिले या डांस बैटल में, मजा तो आएगा। और मेरी लाइफ का रूल नंबर 1 है, नेवर बी नंबर 2। अगली बार मुकाबले का मन होना तो कुछ नया सीख के आना। अदा तो देख भाई, अदा अकड़े इसकी। अरे एक दिन एक कमेंटेटर ने ना इनके कैप्टन से पूछा, यू नो इंग्लिश? उसने बोला, अंग्रेजी कम्स टू मी, मतलब इंग्लिश आती है। कमाल, गले पड़ने वाले आज, गले लग रहे हैं अचानक। यस सर, मैं मानता हूँ कि एक अलग कंट्री से, पर सर मेरी बीजी हमेशा कहती है लव दाई नेबर। आया हूँ आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा। कुछ नया देखना था ना, ये था नया। तू जानता है तुम्हारे और हमारे डांस में क्या फर्क है? तू खुद के लिए डांस करता है, हम दूसरों के लिए। पर क्या है ना अन्ना, चैंपियन भी इक्का तब निकालता है जब सामने बादशाह होता है। मजा आएगा। Hey guys, ground zero event is back. And you feel you can win? Of course, sir. We have the best team. मुझे बस वो इनायत और उसके गैंग को हराना है। तुम लोग नेशनलिटी रिलीजन क्रिकेट के नाम पे हमेशा आपस में लड़ते हो ना, ये लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन साथ में। पाजी, आपने वैसे झूठ क्यों बोला पाजी? हमें वो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स के लिए कंपटीशन जीतना चाहते हैं, तेरे जैसे लोगों की वजह से उनका ये हाल है। अब तेरे दिल की बारी है, अब सिर्फ उसकी सुन। मेरी बीजी हमेशा कहती है कि चाहे तेरे लब पे वाहेगुरु का नाम आवे या ना आवे, लेकिन वो पल भी इबादत दा होता है जब तू किसी और के काम आवे। हम लोग एक कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं। Watch out, we're back again, come! Okay. दोस्तों थोड़ा शॉक हुआ मैं ट्रेलर को देख के कि यार ये तो पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी पे बना दिया पकड़ के। तो काफी सारी चीजें थी इसमें बोलने के लिए, मैं अब क्या बोलूं। पहले तो मैं शॉक बहुत ज्यादा हूँ कि ये हो क्या रहा है कि पाकिस्तानी डांसर और श्रद्धा कपूर एज अ पाकिस्तानी डांसर काम कर रहे हैं, और आई गेस प्रभुदेवा भी कि एज अ पाकिस्तानी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। और दूसरा मैंने इसमें वाघा बॉर्डर देखा, कॉमन हमारी जो लड़ाई होती है यार इतनी भी नहीं होती जितनी दिखा दी जाती है यार, समझ में बाहर आ, इतनी तो होती नहीं, ख़ास तौर पर कॉमन पीपल्स में तो इतनी होती नहीं जितनी दिखा दी जाती है। अब हम लोग हैं, जैसे हम लोग किसी और कंट्री में मिलते हैं पाकिस्तानी या इंडियन, तो आपस में अच्छे तरीके से मिलते हैं, ये तो नहीं छोड़ो ओए मार देंगे तुझे, ओए नहीं मार देंगे, ऐसे तो नहीं होता यार।
और दूसरा हाँ कंपटीशन होता है, जैसा हमारा क्रिकेट में होता है, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होता है, हर तरफ से लगे होते हैं आज छोड़ेंगे नहीं, ये चीज़ अच्छी होती है। लेकिन ये क्या रियल लाइफ में भी ऐसे चल रहा होता है कि पीछे अभी तो चलो डांस नहीं हो रहा, उसके अलावा भी मार देंगे। और एक सीन और था कि मोहब्बत में लिपटे हुए थे इंडिया और पाकिस्तान, वाघा बॉर्डर वाला सीन का मैंने बता दिया आपको, जो था आई गेस BSF की यूनिफॉर्म पहन के कर रहे थे इंडियन टीम्स का, ये जो था काफ़ी अच्छे अच्छे थे। और ख़ास तौर पे एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ना इस मूवी के जो ABCD 1, 2 और 3 है, कि रेमो डिसूजा ने जितने भी डांसर्स थे ना, कोरियोग्राफर्स थे, ये जो डांस इंडिया डांस से आए थे निकल के डिफरेंट उसके क्या के सीजन से, वो सारे के सारे इसमें आपको नज़र आएंगे। पुनीत इसमें नज़र आएगा, सलमान इसमें नज़र आएगा, और वो राघव इसमें नज़र आएगा, वो कॉकरोच। तो काफ़ी अच्छा होने वाला मूवी, बहुत अच्छी होने वाली, देखने वाली होनी है कि कैसी होने वाली है बैटल। तो 24 जनवरी आई गेस या 23, हाँ 24 जनवरी आई गेस, तो वेट करेंगे। और इसमें जो सबसे फेवरेट पार्ट जो मुझे लगा था ना, वो मुकाबला वो वाला गाना वापस आ रहा रीमेक होके प्रभुदेवा का, ओहो लैला, वो बहुत आउट क्लास सॉन्ग है और बहुत ही फेमस हुआ था, अब भी फेमस होगा, और मैं वेट करूँगा उस सॉन्ग का कि उस पर भी रिएक्ट करें। तो मुझे तो बहुत पसंद आया दोस्तों ट्रेलर, और ये नंबर वन ट्रेंडिंग पर जाने वाला है आज, लिखा लो मेरे से इस वीडियो को, यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो कि मैं क्या कहने वाला हूँ। नहीं स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, वीडियो का स्क्रीनशॉट, हिल गया हूँ यार मैं। अच्छा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आप लोगों को, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं भी अच्छा लगा तब भी लाइक कर देना, डिसलाइक करने आता तो लाइक किया करो। और दूसरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिम्मेदारी है आपकी, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा मेरे चैनल को। इस वीडियो के एंड पर भी दो वीडियो हैं, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।